सड़क पर तीन लड़के एक युवक से मारपीट कर रहे थे, तभी पुलिस ने आकर बीच बचाव किया तो इन लड़कों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और वहां से भाग गए। पुलिस ने इनकी गाड़ी की तलाश की तो उसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले। इन अपराधियों में से एक कांस्टेबल भी शामिल है, जिसे पहले भी आपराधिक मामलों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। मामला छतरपुर का है, जहां पीड़ित दिनेश वर्मा ने बताया कि जब वो अपनी गाड़ी में था तभी पीछे से आरोपियों ने आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव में आए पुलिस कर्मियों पर भी उन्होंने हमला कर दिया। SP अमित सांघी ने इस मामले में बताया कि जब आरोपी युवक को मार रहे थे तो पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस पर ही हमला करने लगे। इनकी गाड़ी की तलाशी की गई तो उसमें से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले। पुलिस ने गाड़ी से 6 कट्टे 45 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन आरोपियों में से एक अपराधी पुलिस का पूर्व कांस्टेबल है, जिसे आपराधिक मामलों में पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। साइड से आ रहा हूँ, घर पे छोड़ने जा रहा था भाई साहब, तो उसमें आग में आग निकल गया। पीछे से आए इन लोगों ने, गाड़ी पीछे से मार दी। मैंने कहा भैया रुक के गाड़ी में गाड़ी क्यों मार दी, तो बोले कहा तुम गुंडा हो। भाई से गुंडा तो नहीं, अब पीछे से हम जाने लगे, पीछे से आए इन्हें लात मार दी। तब बोले बता रहे बस उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। तब कट्टा लगा तो बता रहे तुम्हें डंडा डंडा लेते, बैस बॉल का डंडा निकाला इन लोगों ने, बैस बॉल के डंडे 2-4-5 मारे उनने। आज सुबह छत्रसाल चौराहे पे तीन लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे। इसके वहाँ ऊपर से सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक को ये लगा कि झगड़ा क्यों हो रहा है। वो मौके पे पहुँचे, पुलिस को देखते ही ये तीनों वहाँ से कूद के भाग गए। और जब ये भागे आरोपी तो इनको शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इनकी जो पुंछ गाड़ी थी इसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं, जिसमें कि 6 कट्टे मिले हैं, 45 राउंड 315 बोर के मिले हैं, 20 राउंड 12 बोर के मिले हैं, और इसके अलावा खाली जो खोखे होते हैं ये भी भारी संख्या में मिले हैं। इसमें एक आरोपी जो है इसकी पहचान हो गई है, ये पुलिस का एक बर्खास्त सोदा कांस्टेबल है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।